क्या हो अगर आप और आपकी पूरी कम्युनिटी डिफ़िकल्टीज से घिरी हुई हो, प्रॉब्लम से घिरी हुई हो, आपके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, इनजस्टिस हो रही है, आपके साथ ब्रूटली बिहेव किया जा रहा है, आपको बिना किसी बात के आपको हार्म पहुंचाया जा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पोजीशन, आपके सामने सब कुछ बर्बाद की जा रही है, वो भी उन लोगों के थ्रू हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। तो आपकी कम्युनिटी के बाहर के लोग जब आपके साथ ऐसा करते हैं तो आप क्या करते हो? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हो, जस्टिस के लिए गुहार लगाते हो, हेल्प के लिए चीखते हो, चिल्लाते हो, यही करता है एक आम आदमी या फिर कम्युनिटी मेंबर्स यही करते हैं। सेम चीज़ हो रही थी बांग्लादेशी हिंदूज के साथ लास्ट कुछ दिनों से, जहाँ पे वो लोग भीख मांग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, देवर क्राइंग आउट ऑफ हेल्प कि हमारी मदद करो, हमें इस टॉर्चर से हमारा पीछा छुड़वाओ, हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रही है उसको रोको, यही कर रहे थे। और शायद इसीलिए इंडियन इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहाँ तक वो लोग आ गए थे इन ऑर्डर टू गेट हेल्प। पर क्या हुआ? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी भी लॉ ने उनकी हेल्प करी? क्या किसी ने उनके साथ हो रहा ये इनजस्टिस के अगेंस्ट में खड़े हुए आवाज़ उठाई? हाँ, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन चले, हैशटैग बांग्लादेशी हिंदूज, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन क्या रियल ग्राउंड्स पे कोई था वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए? कोई नहीं था। अब जो बांग्लादेशी हिंदूज ने स्टेप उठाया है, इसे कहते हैं हम कम्युनिटी डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, बांग्लादेशी हिंदू अपने लिए, खुद के लिए सड़क पे उतरा है, प्रोटेस्ट करना चालू किया है, अपने खुद के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, ये आप इस क्लिप के थ्रू देख सकते हैं। रास्ता पलट की आड़ में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या क्या जुल्म हुआ ये दुनिया ने देखा। अब अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेशी हिंदू खुद खड़े हो गए हैं और अब उन उपद्रवियों से सवाल पूछा जा रहा है कि जब देश एक है तो उनके घरों को क्यों तोड़ा। तो आपने इस क्लिप के थ्रू देखा कि किस तरीके से बांग्लादेशी हिंदूज खुद के लिए लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, किस तरीके से वो खुद के लिए सड़क पे उतरे हैं, अपने अपने खिलाफ हो रही इनजस्टिस के लिए वो अब खुद आवाज़ उठा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ क्राइंग आउट ऑफ हेल्प, अब वो खुद के लिए वॉइस रेज कर रहे हैं, वो खुद के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, दिस इज़ वॉट वी कॉल द कम्युनिटी डिफेंस सिस्टम, जहाँ पे स्टेट भी कई बार ये नहीं चाहता है कि कम्प्लीटली आप उन पे डिपेंडेंट रहे टू गिव यू जस्टिस। तो जस्टिस हमेशा स्टेट ही आपको दे, ये पॉसिबल नहीं है। कई बार हो सकता है कि स्टेट के पास आप जाओ, आपकी प्रॉब्लम्स उनको दिख रही हो, बट द स्टेट में हैव मेनी प्रॉब्लम्स इटसेल्फ, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे हो सकता है स्टेट में डजंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू हेल्प यू आउट, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, कोई प्रेशर हो, कोई ऊपरी प्रेशर हो, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं कर पाता है। तो इन दैट केस बीइंग अ कम्युनिटी, आपके पास खुद के पास आपको ये राइट डेवलप करना है कि आप खुद के लिए वॉइस खुद रेज कर सकें, अपने अगेंस्ट हो रही इनजस्टिस के अगेंस्ट में आप खुद स्टेप अहेड कर सकें, खुद आगे बढ़ सकें, खुद प्रोटेस्ट कर सकें। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि जो जो कम्युनिटी आपको स्पॉइल कर रही है, आपको हार्म पहुंचा रही है, आपको उस कम्युनिटी की तरह किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। दिस प्रोटेस्ट शुड बी वेरी नॉन वायलेंट, जैसे कि बांग्लादेशी हिंदूज कर रहे हैं, वो नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी आवाज़ को रेज कर रहे हैं ताकि हर कोई उनकी आवाज़ को सुने और उनके अगेंस्ट में हो रही इस इनजस्टिस को वो रोक सके, वो खुद रोक सके, वो खुद फ्रंट में आ सके। अच्छा, इंडिया में भी एक या दो स्टेट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो टेररिस्ट प्रोन्स हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट खुद अलाउ करती है, वहाँ पे है आपका विलेजर्स डिफेंस सिस्टम, जहाँ पे जो विलेजर्स हैं, जो लोकलाइट्स हैं, उनको राइट्स दिए गए हैं कि जो हमेशा आर्म्स हैं, वहाँ की जो फोर्स है, पुलिस है, वो उनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आ सकती, सो दे हैव इनफ राइट्स टू स्टैंड इन देयर डिफेंस, अपने डिफेंस में वो खुद खड़े हो सकते हैं, अपने आप को खुद डिफेंड कर सकते हैं, अपने साथ हो रही इनजस्टिस के अगेंस्ट में वो खुद आवाज़ उठा सकते हैं। और इस डिफेंस कम्युनिटी सिस्टम या कम्युनिटी डिफेंस सिस्टम को रीअप्रूव किया है जे साई दीपक जी ने भी इन हिज पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन, तो ये क्लिप मेरे पास है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। Certainly propose community defense mechanisms. I have said this very clearly in several talks. You should seriously start considering it in situations where the government doesn't have the wherewithal or the resources or sometimes even the intent to protect you. So as you have seen कि किस तरीके से जे साई दीपक जी ने भी इस चीज़ को बोला है कि there should be a defense community system, कई बार state आपकी help नहीं कर सकता है, so in that case the community has enough, the community should raise its own voice against its injustice. So thank you.